3, 2, 1. रामगंज थाना अंतर्गत फिर हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी। परिवादी आयुष जैन के अकाउंट से फर्जी आर्मी मैन ने धोखे से ट्रांसफर कराए 2 लाख रुपए। रामगंज थाना अंतर्गत 3 दिसंबर को एक बार फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें परिवादी आयुष जैन ने बताया कि उसके साथ 2 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है। आयुष जैन द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि उसके अकाउंट के द्वारा फर्जी आर्मी मैन किरायेदार बने अनिकेत विजय के द्वारा अहमदाबाद से उसकी माताजी माधवी जैन को उनके मोबाइल पर फोन कर बताया कि आपके जयपुर स्थित जगतपुरा के फ्लैट को मैं किराए पर लेना चाहता हूँ। मैं और मेरी फैमिली जयपुर ट्रांसफर हो रहे हैं। मैं आर्मी में काम करता हूँ, इसलिए मैं आपको 1 महीने का किराया एडवांस दे दूंगा। 25,000 रुपये महीने में किराए की बात हुई। उक्त आर्मी मैन अनिकेत विजय ने एडवांस किराया जमा कराने के लिए मम्मी से अकाउंट नंबर मांगा, तो मम्मी ने मेरा अकाउंट नंबर उसे सेंड कर दिया, जिसके बाद उसके कहने पर मैंने 5 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए ताकि अकाउंट कन्फर्म हो जाए। इसके बाद उसने 5 रुपये वापस मुझे भेज दिए, जिससे कि अकाउंट वेरीफाई हो गया। फिर उसने कहा कि 25,000 रुपये बतौर एडवांस भेजने में एरर आ रहा है, इसलिए आप एक बार मुझे 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको पूरे 50,000 रुपये वापस भेज देता हूँ। ये बात उसने 6 बार दोहराई। इस तरह से उसके बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपये उक्त फर्जी आर्मी मैन के खाते में ट्रांसफ़र हो गए। इसके बाद उसने कई बार कहा कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन फिर पैसे नहीं आए। जब ठगी होने का एहसास हुआ तो उसने अपने पिता डॉक्टर प्रवीण जैन के साथ थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसी मामले में आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने भी आए हैं। मामला ये हुआ कि मतलब मेरे मदर के पास फ़ोन आया, वो किराएदार बन के, कि मैं अनिकेत विजय जी बोल रहा हूँ, और उन्होंने मेरे को ऐसे कहा कि ना, मतलब मेरे मदर से कहा कि ना, आपके फ्लैट में हम इंटरेस्टेड है, जयपुर में जो फ्लैट है, तो किराए पे रहने के लिए। तो हमने कहा कि भाई आपकी डिटेल्स शेयर करिए, आप कौन है क्या है। तो उन्होंने कहा मैं आर्मी में काम करता हूँ, और 2 महीने, और हमने कहा कि 2 महीने बाद जयपुर मतलब वैकेंट हो जाएगा फ्लैट हमारा जनवरी के अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम तो इंटरेस्टेड है। उन्होंने फ्लैट देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं करा, और वैसे उन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ना हमें कि आपका जो आपकी जो अकाउंट डिटेल्स है वो शेयर करिए, ताकि हम आपको एडवांस जो पेमेंट है वो दे सके 25,000। तो उन्होंने ऐसा नहीं करा, तो उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने कहा ठीक है, आपका है ना जो पेमेंट अकाउंट डिटेल्स है वो शेयर करिए। तो मेरे फादर मदर एक्चुअली ट्रैफिक में थे, बाहर थे, तो उन्होंने मेरा नंबर दे दिया, मेरी अकाउंट डिटेल्स शेयर कर दी। तो फिर मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि ना सर, आप मैं अनिकेत विजय जी ऐसे ऐसे करके बोल रहा हूँ। तो उन्होंने 5 रुपीज़ मेरे को कहा कि आप ट्रांजेक्शन करिए हमारे साथ। मर्चेंट अकाउंट है हमारा आर्मी का, तो हमारा ना गूगल पे रखते ना पेटीएम फ़ोनपे कुछ भी नहीं होता हमारे पास। हमारे पास ICICI बैंक अकाउंट है, और आप इसमें मेरे को 5 रुपीज़ ट्रांसफ़र करिए, जिससे ये वेरीफाई हो जाए कि आपका और मेरा अकाउंट दोनों सेम है, सही है कि नहीं है, मतलब कोई फ्रॉड ऐसा तो नहीं है। तो मैंने कर दी उनको 5 रुपीज़, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं था मर्चेंट अकाउंट का क्या है, क्या सीन है इसका। तो उन्होंने फिर मेरे को वापस 5 रुपीज़ ट्रांसफ़र करे उसके बाद। तो मेरे को लगा हाँ भाई आदमी सही है ये। तो फिर उन्होंने वापस एक बार और फिर मेरे से कहा कि है ना अब आप है ना, मैंने कहा उनको कि आप 25,000 जो हमारा एडवांस है वो आप करिए पेमेंट। तो उन्होंने कहा सर मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, टेक्निकल एरर आ रही है हमारे कंप्यूटर में, तो अभी मैं आपको नहीं कर पाऊँगा आपका, तो आप हमें एक काम करिए, आप पहले हमें करिए जो ट्रांजेक्शन है 25,000 का, मैं करूँ उनके बजाय मैं करूँ। तो फिर मैंने कहा सर मैं क्यों करूँगा, आपको रहना है मेरे को रहना है। तो उन्होंने कहा नहीं सर आप करिए एक बार, क्योंकि हमारे इसमें यही पॉलिसी होती है मर्चेंट अकाउंट की। तो उन्होंने 25,000 मैंने करे उनको पेमेंट। तो मतलब मेरे को मेरे से गलती हुई, बट ये अनअवेयर था मैं इस चीज़ के लिए। उन्होंने मतलब एक तरह से विलिंगली मेरे से करवा लिया ट्रांसफ़र, तो मैंने उनको कर दिए। फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने वापस पूछा कि सर मैंने आपको 25,000 दे दिए, तो सर आप मेरे को वो रिफंड करिए, और जो आपका एडवांस अमाउंट है यानी टोटल 50,000 हो गए। तो उन्होंने कहा कि सर मैं करता हूँ। तो फिर उन्होंने वही सेम चीज़ एक्सक्यूज़ दिया कि टेक्निकल एरर आ रहा है। तो ऐसे करके करके इन्होंने कभी 50,000 का, कभी 25,000 का, ऐसे करके 6 ट्रांजेक्शन करवा लिए मेरे से 2 लाख रुपीज़ का टोटल। फिर मैंने कहा कि सर आप दे हमें पेमेंट करिए वापस। उन्होंने कहा कि नहीं सर मैं आपको नेफ्ट कर रहा हूँ आधे घंटे में, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल कुछ भी मत करो, आधे घंटे में आपको हम कर रहे हैं 2 लाख रुपीज़ का। तो फिर मैंने 10-15 मिनट वेट करा, मैं एक्चुअली ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। तो फिर मैंने वापस करा उनको फ़ोन, तो उन्होंने कहा कि सर क्या हुआ। मैंने कहा कि सर क्या हुआ, आपने दिए नहीं अभी तक। तो उन्होंने कहा सर अभी बस प्रोसेसिंग में एक सक्सेसफुल हो गया, और IMPS ट्रांजेक्शन जो 25,000 था एडवांस अमाउंट वो आपको हम दे देंगे। तो
तो मैंने कहा सर आप करिए जल्दी से, क्योंकि सर मेरे को भी दिक्कत हो रही है। तो फिर उन्होंने फिर करे ही नहीं उसके बाद। फिर मैंने उसको वेट करा, 10 मिनट और वेट करा उसके बाद वापस। फिर उनका फ़ोन लग गया, उन्होंने कहा कि सर अभी हो ही रहा, 2 मिनट आप और वेट करिए। आप मैंने कहा सर मैं लाइन पर ही हूँ, आप मेरे को बताइए क्या हुआ है। तो सर उन्होंने कुछ भी नहीं करा उसके बाद। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है तब से। फिर हमने अभी FIR का लॉन्च करा दी है। कौन से थाने में? ये हमारा ये रामगंज थाना जो है वहाँ पे कराई है। और उसके उन्होंने कहा कि आप साइबर क्राइम के वहाँ पे आप बात करिए, तो वहाँ पर भी हमने रिपोर्ट करा दी है। तो उन्होंने मतलब मेल कर दिया है, पर अब देखते हैं क्या होता है आगे। कितने लाख का सर? 2 लाख का रुपीज़ का हुआ है टोटल मेरे साथ जी। सवाल ये उठता है कि अनेक मीडिया माध्यमों के साथ ही डिजिटल मीडिया पर लगातार ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने की जागरूकता फैलाई जाती है, बावजूद इसके लोग लगातार ठगी का शिकार होकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। RBI कहता है कि कोई भी बैंक या व्यक्ति आपसे फ़ोन पर आपकी पर्सनल बैंक अकाउंट के बारे में कोई जानकारी नहीं मांग सकता। और यह भी कहता है कि किसी को अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर ना करें और ना ही कोई OTP की जानकारी किसी दूसरे को दें। इस तरह से अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। लाखों रुपए की लॉटरी निकलने के सब्जबागों में तो कतई ना आए, क्योंकि यह सब धोखेबाजों की चाल होती है। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के छात्र मिले कलेक्टर से लंबे समय से लंबित छात्र संघ चुनाव कराने की करी मांग। शनिवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने जिला कलेक्टर को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर यथाशीघ्र छात्र संघ चुनाव करवाने व उच्च शिक्षा में छात्राओं की शिक्षा को निःशुल्क कराने की मांग की। छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे लक्ष्य शेखावत ने बताया कि वर्तमान व पूर्व में विगत 2 वर्षों के कोरोना काल में सरकार द्वारा प्रदेश के सभी तरह के चुनाव, जिनमें जिला परिषद, पंचायती राज, नगर निकाय और अन्य उपचुनाव कराए गए, जिसमें मतदान प्रतिशत लगभग 65% से अधिक हुआ। वहीं प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रदेश की 7% जन भागीदारी शिक्षा प्राप्त कर रही है, जो कि शिक्षित वर्ग में शामिल है। इसलिए प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में वर्तमान सत्र में छात्र संघ चुनाव करवाने की घोषणा जल्द से जल्द की जाए। इसके अलावा बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए एवं उच्च शिक्षा में छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लिहाजा छात्राओं को शिक्षा का फायदा नहीं मिल पा रहा। इसलिए उक्त दोनों मांगों को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। सब मिलके जो छात्र संघ चुनाव है, कलेक्टर साहब को उसका ज्ञापन दिया है कि 2 साल से ना तो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, ना अभी जो रविंद्र सिंह भाटी जी ने जो फीस माफ़ के लिए करा था उसके लिए भी कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया है आज। इसलिए शांतिपूर्वक हम सब मिलके यहाँ पे ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, और हम उन्होंने ये कहा है कि हम जल्द से जल्द आपकी मांगे को आगे तक पहुँचाएंगे, शिक्षा मंत्री तक, इन सब तक बातें पहुँचवाएंगे आप लोगों को। क्या मानते हो दूसरे चुनाव हो रहे हैं, छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे? तभी तो हम इसलिए ज्ञापन दिए शांतिपूर्वक। अगर शांतिपूर्वक से ये नहीं मानते तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। सारे चुनाव हो रहे तो हमारे कॉलेजों के चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे? नगर निगम द्वारा वार्ड 74 और 77 के लिए लगाया गया प्रशासन शहरों के संघ शिविर, वहीं अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा पंचशील नगर में लगाए गए शिविर में लोग हुए परेशान। शनिवार को नगर निगम की योजना शाखा द्वारा ECR योजना के अंतर्गत लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में हस्तांतरित करते हुए पट्टों का पंजीकरण व वितरण करने के लिए प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत वैशाली नगर में 2 दिवसीय शिविर लगाया गया। शिविर में वार्ड 74 की पार्षद रूबी जैन और वार्ड 77 के पार्षद दीपेंद्र लालवानी के साथ ही नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने लगभग 35 फॉर्म जमा किए। साथ ही 9 लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड पट्टों का वितरण किया गया। योजना शाखा के कनिष्ठ लिपिक गजेंद्र सिंह गौड़ और पार्षद दीपेंद्र लालवानी ने बताया कि पट्टा वितरण के अलावा नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 16 तरह के कामों को इन शिविरों में अंजाम दिया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में आकर शिविर का लाभ उठा रहे हैं। काम कैंप लगा, किसकी ओर से लगा? आज नगर निगम की योजना शाखा की तरफ से ACR योजना के अंतर्गत फ्री होल्ड पट्टे जारी करने का कैंप 2 दिवसीय आज 3 तारीख और 4 तारीख को लगाया गया है। आज इस कैंप के दौरान 9 फ्री होल्ड के पट्टे भी दिए गए लोगों को, और करीब 30 से 35 फॉर्म फ्री होल्ड पट्टे के अभी तक जमा कर चुके हैं, और इसमें नामांतरण के भी एप्लीकेशन वगैरह ले रहे हैं कि अगर किसका नामांतरण पुराना नहीं किया हुआ है तो उसका नामांतरण भी करवा रहे हैं। किसी के अगर ओरिजिनल लीज मनी का पट्टा खो गया है तो उसका क्या हो सकता है, उनके भी जानकारी पट्टेदारकों को दे रहे हैं ताकि वो भी अपना इसका निस्तारण करवा सकें। यह कार्य आज इस शिविर में हो रहे हैं। कौन कौन से वार्ड का लगा है? ये वार्ड नंबर 74 और 77 का लग रहा है। 74 में रूबी जी जैन है और 77 में दीपेंद्र कुमार लालवानी।
सुबह से लग रही भीड़? सुबह से यहाँ पे 10 बजे से लेके जो भी इच्छुक पट्टेदारी हैं, जो अपना फ्री होल्ड पट्टा लेना चाहते हैं, वो सभी आवेदन करने आ रहे हैं और उनकी जो भी समस्या है उनका निराकरण करके यहाँ पे मैं फॉर्म जमा करवा रहा हूँ। अभी रूबी जी भी यहीं थी, अभी लंच करने गई हैं, वो भी सुबह से लेके यहीं बैठी थी। और पूरा पट्टों का जो भी फ्री होल्ड का है, इनका कोई भी दिक्कत नहीं हो, वो हम उनकी समस्या को दूर करके उनके फॉर्म जमा करवा रहे हैं। किसकी ओर से लगा? आज नगर निगम योजना शाखा द्वारा प्रशासन शहरों का संघ अभियान 2021 के अंतर्गत लीज होल्ड प्रॉपर्टी उनके लिए फ्री होल्ड करने के लिए कैंप लगा है। इसमें पूर्व में जिन्होंने 8 आवेदन किए वो पार्षद मोदी द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। अभी आवेदन ले रहे हैं, अभी 33 आवेदन आ चुके हैं। और कल भी शिविर है जिसमें जो भी अजमेर विकास प्राधिकरण से हस्तांतरित योजना है ACR योजना, उनमें 99 में जो लीज पर भूखंड है उनके फ्री होल्ड संबंधी कार्रवाई की जा रही है। ये अपने दीपेंद्र लालवानी जी पार्षद महोदय है, रूबी जी जैन पार्षद महोदय है, उनके वार्ड से लोग फायदा उठा रहे हैं जी, आ रहे हैं। अधिकतर थोड़ी दिक्कत ही आ रही बैंकों में रहने, बाकी जो मूल जमा करा रहे हैं उनकी कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा क्या क्या काम हो रहा है? इसके अलावा अगर कोई नामांतरण की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता था वो ले रहे हैं। वहीं पूज्य सिंधु पंचायत पंचशील संस्था के सौजन्य से पंचशील नगर में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रशासन शहरों के संघ शिविर के दौरान क्षेत्रवासी खासे परेशान हुए। सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक लगाए गए शिविर में लोगों के कोई काम नहीं होने पाए। पंचायत के अध्यक्ष आर के आहूजा ने बताया कि सुबह से लोग भूखंडों के फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शाम होने तक फॉर्म नहीं आए। जो फॉर्म आए वह भी त्रुटिपूर्ण आए हैं, ऐसे में लोगों के कोई काम नहीं होने पाए। लोग अपने नौकरी और व्यापार को छोड़कर इन शिविरों में अपने काम कराने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें निराश लौटना पड़ा। कैंप लगाए आज पूर्व सिंधी पंचायत की तरफ से यहाँ ADA ने कैंप लगाया है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन थोड़ी सी इसमें कमी ये रही है कि ADA के जो भूखंड है, प्लॉट है, मकान है, उसके फॉर्म नहीं आ पा रहे हैं, तो फॉर्म की वजह से जनता परेशान हो रही है। अभी छपके भी आए हैं लेकिन गलत आ गए हैं, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। बाकी नियमन के पट्टे जारी हो रहे हैं, नियमन के जो फ्री होल्ड के पट्टे हैं वो इनके पास अवेलेबल है, वो करीबन 101 पट्टे जारी हो चुके हैं। इनकी तरफ से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी कमी रह गई है इसके अंदर। 9:30 से 4 बजे का समय मतलब 4 बज चुकी है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। हाँ बिल्कुल, लोग परेशान हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। करीबन 200 आदमी यहाँ पे आए हुए हैं, सुबह से कैंप के अंदर बैठे हुए, 9:30 बजे से बैठे हुए हैं, लेकिन फॉर्म की व्यवस्था नहीं होने के कारण जनता परेशान हो रही है, बहुत परेशान हो रही है जनता। हाँ प्रशासन बहुत ढीला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इस चीज़ को कम हाँ अभी 4 बज गए, 4 बजे तक अब फॉर्म छपके आए, लेकिन वो भी गलत आए। पंची नगर के क्षेत्रीय नागरिक नरेंद्र फेरवानी ने बताया कि सुबह 9:30 बजे से डॉक्यूमेंट लेकर खड़े हैं, लेकिन फॉर्म नहीं आए। जब इनके पास कोई सुविधा ही नहीं थी तो यहाँ कैंप लगाने का क्या औचित्य था? फ्री होल्ड पट्टों के लिए भूखे प्यासे अपनी दुकान को बंद करके पूरा दिन यहाँ खड़े खड़े हो गया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। सुबह 9 बजे का टाइम 9:30 का दिया हुआ है, 9:30 बजे से लेके हम डॉक्यूमेंट लेके सामने हाजिर हुए हैं, बता रहे हैं कि फॉर्म नहीं आए हुए हैं, कभी कह रहे हैं किताब नहीं आए हुए हैं, पिछले 2-3 घंटे से कह रहे हैं कि फॉर्म नहीं आए हुए, लेकिन अभी तक तो कुछ भी पता नहीं। हर 10 मिनट के बाद बोलते हैं, जाकर खींच खा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप बैठ जाओ, आ जाएंगे जब बता देंगे। ठीक है, मैं कम से कम 4-5 दफ़े जाकर पूछे, 1-1 घंटा इंतजार करके कुर्सी पे बैठे हैं कि कब आ रहा है आपका, बस अब आ रहा है। समझ में नहीं आ रही है कि आखिर है क्या माजरा, मतलब क्लियर कट बोलें तो उस हिसाब से हम चलें। मतलब प्रशासन की डील डाले, हाँ मतलब आम पब्लिक को एक सीधा सीधी बात चाहता, आम पब्लिक सीधी सादी है, इस तरह के गोलमोल जवाब जो है ना हमें समझ से परे। किस लिए आए थे यहाँ पर? हम अपने पट्टे फ्री होल्ड पट्टा योजनाबद्ध UIT का लेने आए थे, पंचशील के निवासी है मैं नरेंद्र फेवानी, B528 में रहता हूँ। अपनी दुकान की छुट्टी करके आज दिन भर मैं यहाँ बैठा हुआ, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हासिल। क्या लगता है कि काम हो पाएगा क्या नहीं? वो तो देखो आप उनसे पूछिए, हमें तो समझ में नहीं आती है। मैं उनसे आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ कि क्या समस्या है, पैसे जमा कराए 2 साल के, 100-110 रुपये वो किताब के जमा कराए, सब जमा करा के बैठे हुए, लेकिन कब और क्या होगा ये आप उनसे पूछ के हमें बताइए। पिछले 9:30 बजे से बैठे हुए हैं, न खाना न पीना न कोई बातचीत, तो ये आप जरा आप पता करिए इनसे मेहरबानी करके।
इसी तरह शिविर में काम कराने के लिए पहुंची क्षेत्रीय नागरिक प्रिया खत्री और मीना ने भी अपने व्यथा व्यक्त करते हुए एडीए पर कई तरह के आरोप लगाए। हम अपने ये वही पट्टे के लिए आए थे, फ्री होल्ड के लिए, और 10:30 से खड़े हुए यहाँ पर, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं हमारा। चार बज गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, पट्टे का फॉर्म ही नहीं है। अच्छा, किस तरह की यहाँ पर ढील डाल नजर आ रही है आपको, जैसे आप घर का काम वाम सब कुछ छोड़ के? अब ढील डाल तो सर अब घर का काम छोड़ के खड़े हैं, कह तो रही हैं सवेरे 10:30 से पानी भी नहीं पिया, यहीं खड़े हुए हैं। अब इससे आप खुद ही समझ जाइए, और क्या मैं बताऊँ। आप परेशानी का सामना होता है? हम 12 बजे से आए हुए हैं और अभी 3:30 बज गई है, 4 पट्टे बनवाने आए हैं। क्या लगता है आपको, अभी तक कोई जुर्म पाया आपका काम? नहीं, अभी तो हो रहा है। क्या लगता है कि पूरा घर का काम काज छोड़ के यहाँ पर लगे हैं, कुछ काम नहीं हो पा रहा दिल्ली है? हाँ, वो तो है ना, काम छोड़ के ही आते हैं इधर। काम भी जरूरी है, ये वाला भी। पुज्जी सिंधी पंचायत के उपाध्यक्ष मोहन चेलानी ने बताया कि शिविरों में अधिकारी पूरी तैयारी के साथ नहीं आते। आज पंचशील नगर में लगाए गए शिविर में काफी अव्यवस्थाएं नजर आई, जिसके चलते क्षेत्रवासी खासे परेशान हुए हैं। आगे से उम्मीद की जाती है कि अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारी लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी के साथ शिविर लगाएं, ताकि लोगों को इन शिविरों का हकीकत में लाभ मिल सके। हाँ, हमें तो उम्मीद थी कि जब इतने समय से पूरे शहर में कैंप चल रहे हैं, तो अब तो ये सब रूटीन में आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए, और पब्लिक को एक सुविधा मिलनी चाहिए। और पब्लिक आए, अपने जिनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो उन्हें 1/2 घंटा वेट करने के बाद में उन्हें पट्टा मिले, तो मैं समझता हूँ कि इसका फ्रूटफुल रिजल्ट जाएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा, और ये उद्देश्य होना चाहिए। और निश्चित तौर पर ये इस उद्देश्य के साथ ही अजमेर विकास प्राधिकरण ने ये शुरू किया होगा कैंप, लेकिन आज जो व्यवस्था रही इससे बहुत पब्लिक में नाराज़गी है, और हम तो फिर यही कहना चाहेंगे कि दोबारा एक बार फिर इस पंचशील में एक कैंप का आयोजन होना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने MDS कुलपति को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के जरिए खेल कैलेंडर जारी करने और खेलों की स्थिति को साफ करने की रखी मांग। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं महानगर सहमंत्री उदय सिंह शेखावत के नेतृत्व में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की इकाई अध्यक्ष रिंकू कंवर राठौड़ व अन्य छात्र छात्राओं ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन देकर खेल कैलेंडर जारी करने और खेलों की स्थिति को साफ करने की मांग की। इकाई अध्यक्ष रिंकू कंवर राठौड़ ने बताया कि विगत कई महीनों से खेल टूर्नामेंट कैलेंडर की स्थिति साफ नहीं की गई है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों ने इंटर कॉलेज टूर्नामेंट पूरे करवा दिए गए एवं वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी के लिए एंट्री भी भेज दी है। MDS यूनिवर्सिटी के सभी खिलाड़ी खेल स्पर्धा में भाग लेने और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने से वंचित रह जाएंगे, लिहाजा जल्द से जल्द खेलों की स्थिति को साफ किया जाए। विद्यार्थी परिषद द्वारा MDS यूनिवर्सिटी के कुलपति को ज्ञापन देने गए थे, जिसके अंदर जो अभी वेस्ट जोन के कॉम्पिटिशन होने वाले हैं उसके अंदर अभी तक सारे यूनिवर्सिटीज के टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक MDS यूनिवर्सिटी ने इंटर कॉलेज ही नहीं करवाए, जिसकी वजह से जो नए बच्चे हैं जो खेल के प्रति खिलाड़ी हैं वो वंचित रह जाएंगे। उनकी कोई लिस्ट तैयार नहीं हुई है, उनके कोई अभी टूर्नामेंट्स नहीं हुए हैं, जिस वजह से जो वेस्ट जोन के अभी कॉम्पिटिशन बिल्कुल 10 तारीख को लास्ट डेट है, 10 तारीख से पहले पहले लिस्ट देनी होगी, तो उसके लिए कुलपति जी से बात की गई और जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए, इस बारे में उन्हें अवगत कराया गया कि जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाला जाए और जल्द से जल्द लिस्ट तैयार की जाए, जिससे जो खिलाड़ी हैं जो खेलना चाहते हैं, जिन जो उनका फ्यूचर है इसके अंदर, वो इससे वंचित ना रह जाए। ऐसा नहीं होता है तो इसके अंदर जल्द से जल्द उनसे कराया जाएगा कि कोई तरीका निकाला जाए कि अगर इंटर कॉलेज नहीं हो पाते हैं तो कोई और तरीके से उनको लिस्ट तैयार की जाए, सर्टिफिकेट बेसिस पे या किसी और बेसिस पे, जिससे कि जो बच्चे हैं जिनका फ्यूचर खराब हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, बहुत से खिलाड़ी हैं जो कि इसी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति को खेल कैलेंडर एवं जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं इंटर कॉलेज के, उनकी स्थिति जल्द से जल्द क्लियर कराने के लिए के बाबत हमने विश्वविद्यालय VC को ज्ञापन दिया है एवं अवगत कराया है कि जल्द से जल्द स्थिति का तरीके से इसका कोई निवारण निकाला जाए, अन्यथा कई सारे ऐसे जो खिलाड़ी हैं जो कि सिर्फ महाविद्यालय में इसी वजह से प्रवेश लेते हैं ताकि वो टूर्नामेंट खेल सकें एवं वेस्ट जोन तथा इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे अपनी यूनिवर्सिटी की प्रतिनिधित्व कर सकें। तो इसी स्थितियों को क्लियर करने के लिए जल्द से जल्द, क्योंकि पूरे राजस्थान पर प्रदेश के
अंदर सारी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के अंदर टूर्नामेंट की कैलेंडर एवं टूर्नामेंट की डेटें जारी हो चुकी है। अकेला महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय बाकी रहा है जिसने अभी तक किसी भी प्रकार की स्थितियां क्लियर नहीं करी है। नई जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल के आने के बाद जेल में लगातार मिल रहे हैं मोबाइल। 28 नवंबर को 14 मोबाइल, 30 नवंबर को 7 मोबाइल और 3 दिसंबर को फिर मिले 3 मोबाइल व अन्य सामग्री। कोटा सेंट्रल जेल अधीक्षक के पद पर सुर्खियों में रही जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने अजमेर में भी सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है। उन्होंने ज्वाइनिंग के साथ ही 28 नवंबर को 14 मोबाइल, 30 नवंबर को 7 मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद कर जेल की सुरक्षा को चाक चौबंद कर बंदियों को चुनौती दी, तो वहीं 3 दिसंबर को कैदियों की बैरक से 3 मोबाइल सिम सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। केंद्रीय कारागृह के उप अधीक्षक मुकेश भाटी द्वारा शुक्रवार को सिविल लाइन्स थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया गया कि सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान वार्ड नंबर 10 और 13 में बंदियों की बैरक, पानी की टंकी और शौचालय की छत से 3 मोबाइल फोन, हीटर की स्प्रिंग, पेन ड्राइव, डाटा केबल, कटर, चार्जर, पिन आदि सामग्री बरामद की गई है। सिविल लाइन्स थाने के ASI चांद सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जेल स्टाफ और RAC के साथ ज्वाइंट सर्च अभियान चलाकर जेल से प्रतिबंधित वस्तुएं बरामद की हैं। गौरतलब है कि जेल में लगातार मोबाइल फोन और प्रतिबंधित वस्तुओं का मिलना जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। कल दिनांक 3/12/21 को श्री मुकेश भाटी उपाधीक्षक केंद्रीय कारागृह अजमेर की रिपोर्ट एक थाना हाजापुर प्राप्त हुई जिसमें सेंट्रल जेल के स्टाफ द्वारा जेल की तलाशी ली गई तो केंद्रीय कारागृह के वार्ड नंबर 10 और 13 में बंदियों की बैरिक और शौचालय तथा पानी की टंकी के नीचे व शौचालय की छत पर कुछ निश्चित सामग्री मिली जिसमें 3 मोबाइल में बैटरी और हीटर की स्प्रिंग के तार के टुकड़े मिले हैं जो जब्त करके सिलसुदा मैं रिपोर्ट के थाने आजे पर प्राप्त हुए जिस पर थाना जा पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। सिविल लाइन्स थाना अंतर्गत लोहाखान इलाके में हुई चोरी की घटना। लोहाखान खंडेलवाल धर्मशाला के पास रहने वाले मोहसिन खान के मकान से नल व म्यूजिक सिस्टम चोरी। सिविल लाइन्स थाना अंतर्गत लोहाखान इलाके के एक मकान में चोरी की घटना सामने आई है। सिविल लाइन्स थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन राम चौधरी ने बताया कि परिवादी मोहसिन खान पुत्र रफीक अहमद ने सिविल लाइन्स थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 दिसंबर की रात उसके घर से अज्ञात चोर महंगे नल और म्यूजिक सिस्टम चुरा कर फरार हो गए जिनकी कुल कीमत 37,000 रुपये के आसपास है। परिवादी मोहसिन की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। ये मोहसिन खान सन ऑफ रफीक अहमद है, निवासी लोहाखान है, जिनका संस्कृति स्कूल के आगे खंडेलवाल धर्मशाला के पास में मकान है जिसके अंदर परसों रात्रि के समय कोई अज्ञात चोरों द्वारा नल टूंटियां व अन्य सामान व एक म्यूजिक सिस्टम चुरा कर ले गए जिस पर कल दिनांक उपस्थित होकर परिवादी ने रिपोर्ट पेश किए जिसके चोरों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, प्रकरण दर्ज कर लिया गया। लगभग कितनी कीमत होगी? लगभग 37,000 रुपये के लगभग बता रहे हैं नल टूंटियाँ और म्यूजिक। उत्तर विधानसभा अंतर्गत छोटी नागफनी गली नंबर 2 में रहने वाले लोगों ने फवारा सर्किल जलदाय विभाग पर किया प्रदर्शन। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग पहुंचकर पेयजल आपूर्ति का समय बदलने की रखी मांग। उत्तर विधानसभा अंतर्गत छोटी नागफनी लक्ष्मी मोहल्ला गली नंबर 2 में रहने वाली क्षेत्र की महिलाओं ने शनिवार को फवारा सर्किल स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खंड प्रथम के कार्यालय पर पहुंचकर पेयजल सप्लाई का टाइम बदलने की मांग के साथ नियमित पेयजल उपलब्ध कराने की भी मांग रखी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि जलदाय विभाग रात के वक्त पानी की सप्लाई देता है जिससे सर्दी के मौसम में महिलाओं और बच्चों को परेशानी उठानी पड़ती है, साथ ही रात के वक्त महिलाएं खाना बना रही होती हैं, ऐसे में वह पानी भरें या घर का काम करें इसलिए उनके पेयजल सप्लाई के टाइम को बदला जाए। विभाग चाहे दिन में किसी भी समय पानी सप्लाई दे उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन रात में पानी सप्लाई नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि इन ऊंचाई वाले इलाकों में 72 घंटे में पानी सप्लाई होता है, वह भी नियमित नहीं और प्रेशर ना के बराबर होता है जिससे बस्तीवासी पानी नहीं भर पाते। महिलाओं ने चेतावनी दी कि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जलदाय कार्यालय पर मटकी फोड़कर घेराव किया जाएगा। हाँ, टाइम पर पानी क्यों नहीं देवे बता, ऐसी परेशानी क्यों होगा, माता पानी भी पूरा को नहीं भरे, रात का 8 बजे पानी देवे बता, बउआ खानो बनाई क्या नहीं पानी भरी,
कौन सी जगह से आए हैं आप लोग? छोटी नागफानी लक्ष्मी मोहल्लो है, गली नंबर 2 है। माँ के 10 बजे पानी आना चाहे ना, पानी पूरा आना चाहे, पानी खाली रह जाओ बताओ, कपड़ा धोवा के नहावा कई कई कर रहा हूँ इतना सा पानी में। आज क्या प्रदर्शन किया गया है? आज आए हम तो सब कहने के बाद, हम सेंटर पे कितनी बार जा जाके आ गए, वहाँ पुलिस चौकी के वहाँ भी जाके आए, ऊपर हमारे यहाँ सेंटर है वहाँ भी जाके आए, अब कोई सुनाई नहीं करते हमारी। थैंक यू जी भैया। हम गली नंबर नागफानी से आए, छोटी नागफानी से गली नंबर 2 से। हमारा नल रात को आता है 7-8 बजे, हमारे को सुबह चाहिए 9-10 बजे का टाइम होना चाहिए भैया। अब रात को खाना बनाए या पानी भरे, छोटे छोटे बच्चे अलग पानी में आते हैं, अब वही खाने का टाइम है। आदमी अलग काम धंधे पे आता तो टाइम पे उनको खाना चाहिए भैया, अब नल उसी टाइम पे देते हैं ये। अब बताओ पानी भरे या खाना बनाए? और हम कितनी बार है ना टंकी पर जा जा कर आ गए, वो कहते हैं वहाँ पर जाओ वहाँ पर जाओ, एक दो बार यहाँ पर भी आकर गए भैया, कोई समस्या हमारी हल नहीं हो रही है। मैं 2 नंबर गली में आया और छोटी नागफानी से लक्ष्मी मोहल्लो, मैंने पानी देवे रात के 8 बजे, मैं पानी पूरा हो नहीं, क्यों नहीं तो भी टाइम का कपड़ा धुले नहीं कोई पानी, टाइम पर भर जाए, कुछ खाना में लगी हुई रहे, कुछ बच्चे बच्चे में लगी हुई रहे, और वो सर्दी को मौसम है, मैंने पानी टाइम पर देवे, चाहे दिन की 2 बजे ही दे दो पर टाइम पर पानी देवे। मैं संस्था एक पहल सेवा की ओर से कोटड़ा इलाके में जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों आदि का वितरण, वहीं पूज्य सिंधु पंचायत पंचशील नगर की ओर से मकड़वाली स्थित भैरूवाड़ा में गरीबों को कंबल और खाद्य सामग्री बांटी। सामाजिक संस्था एक पहल सेवा की ओर से कोटड़ा इलाके में खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे करीब 150 गरीब और जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र, पैंट शर्ट, बच्चों को फ्रॉक, मोजे, खिलौने, चॉकलेट, कंबल आदि प्रदान किए गए, जिन्हें पाकर वे बहुत खुश हुए। संस्था के सेवादार शैलेश गर्ग ने बताया कि संस्था 2016 से ही वस्त्र बैंक, बुक बैंक और सूखी राशन सामग्री से अपने निजी और भामाशाहों के सहयोग से निरंतर सेवा कार्यों में लगी हुई है। संस्था की मारुति इको कार स्लम एरिया में जहां भी जरूरतमंद हैं उनकी सेवा करती है। सेवा परमो धर्म पर चलने वाली संस्था का एक ही उद्देश्य है कि अपनों के लिए तो सब जीते हैं, किसी और के लिए भी जिया जाए। संस्था में हर व्यक्ति अपने स्तर पर सेवा दे सकता है। आगे इन सर्दियों में संस्था का 500 कंबल बांटने का लक्ष्य है। आज सेवा देने वालों में संस्था के शैलेश गर्ग, ज्ञानेंद्र सिंह नयाल, अंश गर्ग व अन्य सेवादार मौजूद रहे। आज एक पहल सेवा संस्थान की ओर से हम कोटड़ा आए थे, यहाँ पे हमने बच्चों को कंबल्स, बिस्किट, स्वाल ये सारी चीज दिए हैं, उनको खिलौने भी दिए, इनको देख के बहुत खुश हुए हैं। और संस्था का 2016 से ही अपने कार्य में लगी भी है ये, और गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करती भी आ रही है। मारुति संस्था की है जो सलम एरिया में कार्य करती है, और हम इसी तरह कार्य करते रहेंगे आगे। और हमारा अभी 500 कंबल बांटने का उद्देश्य है, क्योंकि सर्दियां बहुत पड़ रही हैं सर अभी, और ये लोग जब जाते हैं तो बड़े खुश रहते हैं, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है वो कितना खुश होता होगा आप देखो, इनके खुले आसमान में लोग रहते हैं। तो एक पहल सेवा सामाजिक की ओर संस्था से मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सब सेवा के लिए आगे आए। इसी तरह पूज्य सिंधु पंचायत पंचशील नगर की ओर से माकड़वाली स्थित भैरूवाड़ा में झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को कंबल और खाने पीने की वस्तुएं वितरित की गई। समाज सेवी मुकेश आहूजा ने लोगों से अपील की है कि जरूरतमंद लोगों की सर्दियों में मदद करें। पंची सिंधु पंचायत संस्था की ओर से आज माकड़वाली रोड जो भैरू नगर है, भैरू बस्ती है, यहाँ पे पहले भी हम कई बार बस्ती के अंदर आए हैं। आज हमने, आप देख रहे हैं सर्दी कितनी पड़ रही है, बारिश भी पड़ रही है, ठंड के अंदर काफ़ी ठंड हो रही है, तो इससे उपलक्ष्य में हमने आज इन जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो कच्ची बस्ती है, जो लोग गरीब परिवार के लोग रहते हैं, हमने कंबल बांटे बच्चों को, खाने पीने की चीज़ें दी हमने, क्योंकि ये चाहे रात को आपको मालूम कितनी ठंड पड़ती है, ये झोपड़पट्टियों में रहते हैं कितने बेचारे परेशान होते हैं ठंड में, तो आज हमारे सुपर से हमने इनके कंबल दी, और आगे भी हमने बच्चों को यहाँ पे आगे स्वेटर देंगे, जूते देंगे आगे, पर बहुत बेचारे जो बहुत ज़्यादा बेचारे इनके बहुत साधन नहीं है बेचारों को, ना कोई पानी पीने की व्यवस्था है, ना बहुत ज़्यादा दिक्कत में रह रहे हैं लोग बेचारे, काफ़ी बेचारे परेशान हैं यहाँ पे। तो हमने ये भैया उठाया कि हम जगह जगह जाएंगे, जो भी ऐसे कच्ची बस्तियाँ हैं, कच्चे जो मकान बने हुए हैं वहाँ जाएंगे, जो या सरकारी स्कूल है जहाँ वास्तव में जो बच्चों को स्वेटर की ज़रूरत है वहाँ जाएंगे। तो हम ये आगे संस्था ने भीड़ा उठाया, हमने आगे भी कार्य करते रहेंगे और ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। इस तरह से हमने पीड़ा उठाया है गरीबों को देने का, और संस्थाओं से अपील करेंगे आगे से आगे आके और गरीबों की सहायता करें। इस तरह की ठंड पड़ रही है, ठंड बहुत तेज पड़ रही है, बारिश भी पड़ रही है,
किस तरीके से आपने देखा है यहाँ पे, किस तरीके से वो हमने देखा है यहाँ पे आज कंबल बांटे, वो देखे कि कैसे रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है पूरी और रहने की झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। हम और आगे संस्थाओं से और अपील करेंगे कि गरीबों की सहायता करें।